जी सर। वेलकम और एम्पायर करते हुए दोनों का पास होने वाला है। हेड कॉल की है, टॉस जीता है यहाँ पर। ये आरोप करेंगे और मुझे हाथ साफ जाएगा इतने जाएंगे मेरे हाथ में। ये करेंगे मुझे आरोप करेंगे बातचीत मौजूदा हालात में जहां कोरोना वायरस कोविड-19 ने हर फर्द बशर को परेशान और गमगीन कर दिया है, वहीं अब लोग कई तरह के मजाया और तफरीही कामों के साथ जुड़ जाते हैं ताकि जो इंसानी जहनों के ऊपर इस वायरस का खौफ बैठा है उसकी शिद्दत को किसी हद तक कम किया जाए। जैसे ही लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया तो नौजवान तबकों ने भी खेल के मैदानों की तरफ रुख किया। वादी में गर्च कई तरह के खेल खेले जाते हैं, ताहम क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ के मकामी नौजवानों के चहेते खेल बने हुए हैं। शुमाली कश्मीर जिला बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम के अलावा इसके गिर्द नवा में मौजूद खेल के मैदानों में साल भर मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया जाता है, जिससे खिलाड़ियों के साथ साथ मकामी लोगों को भी जिंदगी के मसरूफ अवकात से निकल कर परेशान कुन जहन को राहत देने का वक्त गुजारने का मौका मिलता है। जिला बांडीपुरा के पोतुशई इलाके में छोटा और बेहद खूबसूरत खेल का मैदान है, जहां साल भर फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट मुनाकिद किए जाते हैं, जिनमें कई मकामी व गैर मकामी टीमें हिस्सा लेती हैं। आज भी इस सब्ज तख्त नुमा खेल के मैदान में पोतुशई इलाके से ताल्लुक रखने वाले चंद हुनरमंद नौजवानों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जमील अहमद परे के साथ हाजी खालिद और नौमान हाजी ने यह मौका हासिल किया कि वो मकामी टीमों के साथ साथ गैर मकामी टीमों को भी यहां बुलाकर क्रिकेट का एक यादगार टूर्नामेंट अंजाम दें। इस सिलसिले में आज इफ्तिताही मैच खेला गया, जिसमें इकरा क्रिकेट क्लब बांडीपुरा के मुकाबले में बीसीसी मंगनीपुरा थी। टूर्नामेंट के आगाज में चीफ ऑर्गेनाइजर जमील अहमद परे ने कश्मीर क्राउन के साथ बातचीत के दौरान अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ब्रेव हार्ट वॉरियर्स का ये टूर्नामेंट है, मैं जमील अहमद ऑर्गेनाइजर, ये हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज किया है ये टूर्नामेंट। जो हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये मतलब 32 टीम्स टोटल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, लेकिन इसमें मतलब ये टूर्नामेंट जो है ना, ये नॉकआउट बेस पे होगा। इसमें 31 मैच होंगे, लेकिन टूर्नामेंट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हमारे लिहाज से मतलब जितनी भी कोशिश हो सके उतनी जल्दी हम ये टूर्नामेंट खिलाएंगे। भी बहुत अच्छा है, विकेट भी बहुत अच्छी है, मदद दे रही है बैटिंग के लिए, और इसीलिए मतलब जो भी टीम है मतलब वो मतलब अपना बेस्ट दे, और जिसका भी लक होगा मतलब वो टीम चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब जो मतलब हमारे मतलब ये लगने चाहिए यहाँ पे मतलब कुछ थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, मतलब ग्राउंड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे डग आउट होनी चाहिए हमें, उसकी मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। ज्यादातर मस्ट है डग आउट, और विकेट भी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन अच्छी विकेट है, बहुत अच्छी है। और एक बात है, दूसरी बात है, ये जो हमारा रोड है ना मतलब ये खस्ता है, इसकी भी अगर मेंटेनेंस हो जाएगी तो वो बहुत अच्छी होगी। मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इसको रोड को मतलब मेंटेनेंस करे, और हमारे दो डगआउट्स हमें चाहिए, वो हम अपील करते हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से। और बाकी ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, इंशाल्लाह ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तियाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर, और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राबता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695।
अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर।